ओके तो यार, इस वीडियो के अंदर भी जो हिप हॉप से रिलेटेड कुछ बेसिक अपडेट्स मैं तुम सभी को देना चाहूंगा। वेल तो यार, सबसे पहले जो अपडेट्स निकल के आ रही है वो है रागा से रिलेटेड। एंड आई नो कि यार तुम्हें से काफी सारे लोगों को ऑलरेडी पता लग ही गया होगा, हसल का जो है नया सीजन स्टार्ट होने वाला है 19 तारीख से। एंड जहां पर जो है एका पाजी एंड यहां पे रफ्तार जो है मेन जज होंगे। एंड इसी के साथ साथ जो है रागा भी हमें देखने को मिलेंगे सीजन 4 में। वेल उसी चीज से जो है रिलेटेड रागा ने कुछ इंस्टा स्टोरी में ऐसा लिखा था, बुर्रे बड़े भाई दोनों रफ्तार एंड एका दिल्ली वाली बातचीत होने वाली है। बाकी अगर तुम्हारे हाथ में होता तो तुम यार हसल के जज किसको बनाते, कमेंट करके उस आर्टिस्ट का नाम बता देना। और बाकी और एक चीज पूछना था कि हसल को तुम कब से फॉलो कर रहे हो, सीजन 1 से या फिर सीजन 2 से, कमेंट करके वो भी मेंशन कर देना। ओके तो बात करें यहाँ पे एमी वंटा के बारे में, तो एमी वंटा ने जो रिसेंटली अपने इंस्टा पे कुछ फोटो वगैरह शेयर कराए वो भी तुम यहाँ पे देख लो। और गाइस इसी फोटो के कैप्शन अगर तुम पढ़ोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जिंदगी मस्त है भाई। बाकी अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एमी वंटा के बारे में तो तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि यार एमी वंटा के ईपी के लिए कौन कौन रुका है। बाकी अगर बात करें इस पिक्चर्स के बारे में तो भाई यार हर एक पिक्चर्स में तबाही लग रहे हैं एमी वंटा। वेल देखो यहाँ पे अगर मेरे हाथों में होता तो मैं हसल का जज एमी वंटा को ही बनाता, क्योंकि यार सबको पता है कि एमी बंटा जो इंडिपेंडेंटली इतना कुछ कर चुके हैं जो कि यार बाकी आर्टिस्ट के लिए लाइक इम्पॉसिबल ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की भाई यार एमी बंटा के लिए बीकेपी ऑलवेज खड़ा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यार कट्टर फैन जो है बिल्ड कराया ना भाई एमी बंटा ने, मैं लिटरली बता रहा हूँ इसका पहले कभी मैंने किसी भी आर्टिस्ट के लिए इतना पागलपंती नहीं देखा है। मतलब कि अगर बंटा को तुम कुछ बोलते हो तो भाई लिटरली बता रहा हूँ एमी बंटा की जो फैन बेस है जो बीकेपी है ना भाई खड़े खड़े पेल देगा, तुमको पता भी नहीं लगेगा। वेल तो बस एंड में बस इतना ही बोलना था कि भाई अगर तुम बीकेपी वाले हो तो #बीकेपी लिख देना कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।